दरअसल प्रदेश में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे ही वैसे राजनीतिक पार्टियों ने अपनी राजनीति सभाएं शुरू कर दी हैं। हर पार्टी अपनी जीत की दावेदारी को मजबूती के साथ जनता के सामने पेश करने में लगी हुई है। राजनीतिक पार्टी की दौड़ में कांग्रेस पार्टी कहाँ पीछे रहने वाली है, वह भी मुरादाबाद की जमीन पर अपना अस्तित्व तलाश करने की कोशिश कर रही है। इसी क्रम में पार्टी के कांग्रेस सूचना का अधिकार विभाग के प्रभारी कुंवर रफत अली मुरादाबाद पहुंचे, जहां पर वरिष्ठ नेता सगीर सईद व अन्य कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान जिगर कॉलोनी स्थित एक निजी आवास पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन किया गया। कॉन्फ्रेंस की गई थी दरअसल आज हमारे उत्तर प्रदेश कांग्रेस आरटीआई के जो हमारे प्रभारी है माननीय कुंवर रफत अली खान साहब, वो इटावा से तशरीफ लाए हैं और उन्हें पार्टी हाई कमान ने निर्देश देकर भेजे हैं कि वो भी अच्छी प्रत्याशी की यहाँ तलाश करें, जिससे कांग्रेस आरटीआई की तरफ से भी एक नाम मुरादाबाद से वहाँ भेजा जाए। और अरविंद रस्तोगी जी ने कोई नाम उन्हें दिया होगा जो हमारे चेयरमैन हैं यहाँ के, और उस संबंध में उनकी वार्ता भी हुई है। तो 27 विधानसभा पर खासकर उनका ध्यान है, तो जैसे भी उनके आदेश होंगे उसका पालन किया जाएगा। आज उत्तर प्रदेश की और देश के हालात आपके सामने हैं। उत्तर प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, और किस तरह से लड़कियों के बलात्कार, बच्चियों के बलात्कार उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, और योगी सरकार में भ्रष्टाचार फैला हुआ है। और आरटीआई कांग्रेस यही काम करने जा रही है कि वो तमाम भ्रष्टाचारों का पर्दाफाश करेगी, भ्रष्टाचारों को खोलेगी। चाहे कांग्रेस आरटीआई का कितना भी दमन हो, कितना भी उसका उत्पीड़न हो, कांग्रेस आरटीआई खड़ी है। आज कांग्रेस आरटीआई की इस मीटिंग में मुझे भी बुलाया गया और मैं भी यहाँ आया हूँ, और मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने सेवा दल के छोड़ा। उन्होंने कहा हमारा सीधा सीधा चुनाव जो है भाजपा सपा का है, कांग्रेस कहीं नहीं, कोई वोट बैंक नहीं है, आप क्या कहेंगे? देखिए, हर दल चाहते हैं, हर दल ये बात को रखते हैं कि हमारा सीधा जो भी प्रदेश में जो सरकारें मौजूदा, जो सरकारें सत्ता पर काबित होती हैं, वो बताते हैं कि हमारा सीधा इन्हीं से है। लेकिन आप ज़मीन पे निकलिए, ज़मीन की सच्चाई देखिए, जनता की देखिए, जनता कितनी परेशान है, तरह तरह कर रही है। देखिए, हमारी जो कांग्रेस पार्टी, हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी, गरीब हो, किसानों, मजदूरों, महिलाएँ हो, सबके हक की आवाज़ बन रही हैं। हम लोग जनता के साथ कांधे से कांधा लगा के उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं। हालांकि प्रियंका गांधी आपने कहा कि काम कर रही हैं, भाजपा जो होगा अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ से राज्यसभा सांसद आएंगे, छत्तीसगढ़ से, उन्होंने कहा पहले छत्तीसगढ़ में जहाँ जहाँ सरकारें हैं कांग्रेस की, वहाँ आशाओं को पैसे दिए जाए, तो 10,000 की भाड़ा दी गई, वो सरकार आने के बाद ही यहाँ उत्तर प्रदेश में क्यों करें? देखिए, ये सब जुमलेबाजी करते हैं वो लोग। हमारी राजस्थान के अंदर भी सरकार है, इससे पहले भी जब यूपीए की सरकार थी, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने वादा किया था कि हम लोग किसानों का पूरा कर्जा माफ करेंगे, पूरा कर्जा माफ किया। प्रियंका गांधी जो घोषणाएं कर रही हैं उत्तर प्रदेश चुनाव में, वो जहाँ जहाँ सरकार है कांग्रेस की, वहाँ क्यों नहीं लागू कर रही योजनाएं? नहीं, देखिए, ये सब जगह लागू है। जहाँ हमारी शासित राज्य हैं वहाँ पे हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, आप देखिए, राजस्थान के अंदर किसानों का कर्जा माफ़ हुआ, छत्तीसगढ़ में देखिए किसानों का कर्जा माफ़ हुआ। तो हमारे जो कांग्रेस शासित राज्य हैं वहाँ पूरा जनता के साथ कांधे से कांधा लगा के हमारे मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं। नहीं, हमारा अभी तलक ना किसी से अलायंस हुआ, ना आगे कोई उम्मीद है। हम लोग पूरी की पूरी विधानसभा सीटों पे चुनाव उत्तर प्रदेश में अकेले लड़ेंगे। अभी हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री का एक अभियान आया है खुले में नमाज पढ़ने को लेकर, के खुले में नमाज नहीं पढ़ाई जाएगी हरियाणा में, क्या कहेंगे? देखिए, ये उत्तर प्रदेश में चुनाव है और 4-5 राज्यों में चुनाव है, ये माहौल को ख़राब करने की कोशिश करी जा रही है। विकास के नाम पर भाजपा जीरो है, हरियाणा के मुख्यमंत्री हों चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हों, बिल्कुल जीरो साबित हुए हैं, जनता की नज़रों में बिल्कुल नाकारा साबित हुए हैं। ये अपनी विकास नहीं गिना सकते कि हमने क्या विकास किया किस प्रदेश के अंदर। तो ये हिंदू मुस्लिम करके वोटों का ध्रुवीकरण करना चाहते हैं चुनाव से पहले, सिर्फ और सिर्फ ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। देखिए, हमारी कम से कम 200 से 250 सीटें हम लोग उत्तर प्रदेश में ला रहे हैं।